मेरे प्रिंस चार्मिंग, सलाम सलाम। हाँ हाँ, सेगमेंट शुरू होगा तो सलाम कर लेंगे। शुरू हो गया, शुरू हो गया। अभी सेगमेंट शुरू नहीं हुआ, मुझे बताएंगे, कान में बताएंगे जब बच्चे भी आ गए। बच्चे ये सारे भी आ गए, देखे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं कैसा हूँ? आप भी ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ। प्रोग्राम शुरू करें? हाँ। आ जाओ, इधर आओ, आ जाओ, सारे बच्चे आ जाओ, जो रह गए सब आ जाओ। हाँ, खेलो, आपका अपना घर है। मेरा भी अपना घर है, पता है आपको? नाम क्या है? फातिमा। और मेरा नाम क्या है? वसीम बदामी। हाँ, शाने रमजान अच्छा लग रहा है? हाँ। प्रोग्राम शुरू करें, सलाम कर ले सबको। नहीं। सलाम करे करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आए आए, बैठे बैठे झूले पे बैठे। आपका अपना झूला है। जितने बच्चे हमें देख रहे हैं, अपने अम्मी अब्बू नाना नानी चाचा चाची मामू मामी खाला और हमारे जितने भी कजन हैं, दोस्त हैं, एक मेरा दोस्त है अली, और आपका अली वारिस, और आपके दोस्त हैं। मेरा एक कजन है, उसका भी नाम ले। वो क्या नाम है? उजैफा। उजैफा, फुरकान, नुमान, बशीर, मोहम्मद हुसैन, फरजाना, परवीन, यास्मीन, नौरी। कितने कजन हैं? ये सबके नाम ले, कुछ रह तो नहीं गया कोई? खत्म हो गया। अच्छा ठीक है, उन सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दो चार नाम रह गए, ले लूं? अच्छा चले, खत्म। सबको हमारी तरफ से आज कौन सा रोजा हो गया है बाय द वे? आज 14th रोजे हो गए। 14, दो नए मेहमान भी आए हुए हैं, तो एक और भी आया हुआ है। उसने कहा भाई, उसने कहा बस झूले वूले खाओ, प्रोग्राम राम तो चलता रहेगा, तो उनका तो प्रोग्राम अलग से जारी है उनका। इनसे बात करूं जरा, ये कौन है, क्या ख्याल है जी? फिर जरा इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी आप? ठीक हूँ। क्या नाम है? आयजा। आयजा, शान रमजान में मजा आ रहा है आपको? हाँ। क्या किया उसने आयशा ने आपके साथ? आयशा मुझे बहुत तंग करती है। आप भी तंग करती होंगी ना? आज जब हानिया हाला के घर गई थी मैं, तो वो उसने ना कोई बाबा बतूने की बाल छीन ली थी मेरे हाथ से। वो जो पिछले हफ्ते जब हानिया खाला के घर जो गई थी। हाँ, लेकिन आज गई थी मैं आपको, तो फिर हानिया हाला, हानिया खाला ठीक है, खैरियत से? और नसरीन फुप्पो ठीक है? नहीं, हसीन फुप्पो नहीं, माम फुप्पो। माँ माम फुप्पो, माम माम फुप्पो ठीक है, खैरियत से? हाँ। और वो जो फुरकान मामू है, वो कैसे? मेरे घर में फुरकान मामू नहीं है। मामू कौन से हैं? फाद मामू। हाँ, फाद मामू, फाद फाद मामू ठीक है, खैरियत से? और उनका जो छोटा वाला है वो ठीक है, सही मस्ती वस्ती कर रहा है, शरारत कर रहा है? हाँ। सारे घर खानदान वालों को मैं एक्सपोज ना कर दूं अगर आज। अच्छा, मेरा यही रुक जाते हैं भाई। हाँ। ये हंस हंस के लाल हो गए। क्यों भाई, तुम तो वैसे ही इतने लाल हो मजीद, जो लेकिन आप कहाँ खड़े थे कि यहाँ इधर इधर यहाँ, वेरी गुड। क्यों इतना मुस्कुरा रहे हैं? बस जो बातें कर रही है जो, अच्छा फनी बातें कर रही है, कभी हमारी बात में भी मुस्कुराया थोड़ा सा है, लिफ्ट लिफ्ट कराया हमें भी। कोई पोएम शोएम है कोई आज? क्या है, किस बारे में है? ये क्या है, ये क्या आ गया सेट में हमारे? बकरा। बकरा? बकरा सेट में आ गया। मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ, आप रिपीट करें 5 मरतबा, ठीक है? आप बोले जब बकरे ने मारा है बकरी को सींग, तो बकरी भी मारेगी बकरे को सींग? बकरे ने मारी सींग? ना 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 ना, जब बकरे ने मारा है बकरी को सींग, तो बकरी भी मारेगी बकरे को सींग? हाथ आप रिपीट कर सकते हो? जब बकरे ने मारा है बकरी को सिंह, तो बकरी भी मारेगी बकरे को सिंह? हाँ, बकरी भी मारेगी बकरी को सिंह, लेकिन वो मार कैसे सकती है? मुझे आपसे कंफर्मेशन नहीं चाहिए, मैंने आपसे रिपीटेशन चाहिए। क्या कह रहे हैं भाई, कान में दोबारा कहिएगा। अबू बकर साहब, आप रिपीट करें जरा, फिर आप हो ना, आप ले आइएगा। जब बकरे ने मारा है बकरी को सिंह, तो बकरी भी मारेगी बकरे को सिंह? हाँ, जब बकरी ने मारा है, शुरू देखें, शुरू किया है बकरे ने। अच्छा। लेकिन अब जब उसने किया है तो भुगते वो। जब बकरे ने मारा है बकरी को सिंह, तो बकरी भी मारेगी बकरे को सिंह? जब बकरे ने मारी है बकरी को सिंह, तो बकरी भी मारेगी बकरे को सिंह? जब बकरे ने मारा है बकरी को सिंह, तो बकरी मारेगी बकरे को सिंह? नहीं नहीं। अरे भाई, और नाजरीन, बकरा क्या, बकरा है, शीप है, क्या है ये? दुम्बा 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 आ गया भाई शाहजहां रमजान के सेट में। वो बकरा ईद पे लाते हैं ना ऐसे, और मैं तो वसीम भाई लेकर आए ना? वसीम भाई इधर लेके आए। नहीं नहीं, मेरे ख्याल है ठीक है, बस
अरे कहाँ ले जा रहे हो भाई ये इसको गा बात सुने मैं अच्छा अच्छा ओके आ रहा है जब उनका मूड होगा तब दोबारा आ जाएंगे डॉक्टर साहब जी रिपीट करें जब बकरे ने मारा बकरी को सिंह तो बकरी भी मारेगी बकरे को सिंह माइक लगा हुआ है आपके जब बकरे ने मारा बकरे को सिंह ये इख्तलाफ हुआ है बकरे और बकरी के दरमियान जी कुछ बड़े हसास नौयत के मामला थे उसमें इख्तलाफ हो गया जी बकरे ने सिंह मार दिया तो बकरे ने मारा है बकरी को सिंह अब बकरी भी मारेगी बकरे को सिंह तेज जल्दी नहीं तो इसका मतलब सब फेल हो गए और सिर्फ एक बंदा जीत पाया और उस बंदे का नाम है वसीम बादामी अगर तालियां मेरे अगर हो जाए ये बकरा जो शान रमजान के सेट से चला गया इसको हमने तस्वीर में महफूज कर लिया ये देखें आपके सामने दुम्बा हाँ और दुम्बे के बारे में अबू बकर साहब आप कुछ जानते हैं दुम्बे के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन कुछ दे सकें अल्लाह ताला की ऐसी ऐसी मखलूकात हैं हमें पता तो चले अल्लाह ताला की क्या क्या मखलूकात हैं बताएं ज़रा कुछ हमें वसीम भाई ये है ना अपना अपने सर को पीछे मुड़े बगैर ये पीछे देख सकता है ओ यानी अगर हम इसको कहें पीछे तो देखो तो पीछे मुड़े बगैर देख लेते हैं याद है याद है हाँ बकरा यहाँ खड़ा है आप कहें पीछे तो देखो तो ऐसे देख लेगा Okay. वो देख रहा है देख रहा है देख रहा है देख रहा है पीछे देख रहा है हाँ हाँ और इस बकरे इस दुम्बे के बारे में तो एक बड़ी रियल स्टोरी भी है वो स्टोरी याद है आपको जी ये तो सुनाए जरा स्टोरी सुनाए स्टोरी सुनाए जाओ भाई जाओ दुम्बे को ले आओ जरा डॉक्टर साहब वहाँ पे वो वसीम भाई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था कि अल्लाह ताला ने उनसे कहा है कि अपनी कीमती चीज को अल्लाह के राह में कुर्बान कर हाँ यस 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 तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपना सारा माल अल्लाह की राह में ख़र्च किया तो उन्हें याद आया कि मेरी तो कीमती चीज़ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम है ओके ओके डॉक्टर साहब छोड़ दें डॉक्टर साहब आप इधर इधर नहीं नहीं मतलब उसको घूमने दें ना खुद हाँ आप इसको घूमने दें बस ठीक है अच्छा ओके ओके फिर क्या हुआ आ जाए ये मुझे ये चाहिए आप यहाँ बैठो यार हाँ मुझे आराम से अच्छा फिर क्या हुआ भाई स्टोरी सुना रहे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की फिर क्या हुआ था तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को याद आया कि उनकी कीमती चीज़ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम है तो उन्होंने हज़रत बीबी हाजरा से कहा कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को तैयार करें और खुशबू लगाएं सही तो उन्होंने कहा कि इनको तैयार करके मैं इनको अपने दोस्त के घर लेके जा रहा हूं तो उनको जब तैयार किया तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको खाली खाली मैदान लेके गए हाँ, यस। तो रास्ते में शैतान आ गया हाँ, हाँ, उन्होंने हाँ। उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बातें की के हाँ, कि ना करो इसको हाँ, इनको नहीं कुर्बान करो क्यों कर रहे हो कुर्बान हाँ। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पत्थर उठाया और उन्हें मारा शैतान को जी और दूसरी दफ़ा शैतान हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास गया तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के ने भी उनको पत्थर मारा yes. और तीसरी दफ़ा वो हज़रत बीबी आदरा के पास गए तो उन्होंने भी वहाँ पत्थर मारा yes. तो जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेके गए और अपने आंखों पर पट्टी लगाई हाँ। और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लिटाया ज़िबा करने के लिए yes. तो हज़रत जैसे ही हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी पैरी तो हज़रत अल्लाह ताला का हुक्म अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जन्नत से एक मेंढा लेके आओ तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वो मेंढा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह पर रख दिया और इसी की याद में हम हर साल कुर्बानी करते हैं और बकरे गाय या दुम्बे वगैरह ज़िबह करते हैं ज़बरदस्त वेरी नाइस क्या बात है वाह वाह ये तो भाई जरा ये दुम्बे की ऑडियो बता दो इधर दुम्बे की ऑडियो बता दें अच्छा बकरे की ऑडियो बताएं कैसी होती है आवाज़ कैसी होती है बकरे की आ जाओ हाँ कैसी आवाज़ होती है बकरे की मैं हो गया मैं सुनाऊँ 3-2-1 बोले 3-2-1 फिर करो Okay, 3-2-1 गए 3-2-1 कैसा अच्छा है ना हाँ आपको पता है ईद पे बकरा काटते हैं ईद पे मस्त बच्चा पका कर धुआया था फहद मामू के यहाँ क्या कटा था इस ईद पे मामू का तो मुझे पता ही नहीं है और नसीन खाला में ही ना
मेरी नानी के घर नहीं है। नानी की तबीयत ठीक है, बेहतर है? बेहतर है। ये अच्छी बात है, नानी की तबीयत ठीक है। तो कोई पोएम कोई कौन सुना सकता है मुझे, कोई कोई मेरा दिल से? हाँ, कौन सी कौन सी कौन सी? अबुलाए मोटर कार। क्या? अबुलाए मोटर। अबुलाए मोटर कार आती है भाई? सुनाओ भाई, सुनाओ सुनाओ सुनाए। अबुलाए मोटर कार, उसके नीचे पहिए चार, चाबी से वो चलती है, पॉप 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 करती है, आगे जाए पीछे जाए दाएं बाएं वो। वाह 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 वाह, तालियां बजाने बहुत सारी भाई, जबरदस्त। ओ ओके वसीम भाई। जी भाई, ये जो मेरे भाई ने ये जो स्टोरी सुनाई है ना। हाँ हाँ हाँ। ये उमर यहाँ हो, मेरे पास हो? हाँ यहाँ जरूर हो, लेकिन मेरे पास। वेरी गुड। हाँ जी, हाँ जी, क्या स्टोरी सुनाई ना, जिसमें वो इस्माइल अलैह सलाम, इब्राहिम अलैह सलाम शैतान को पत्थर मारते। हाँ हाँ हाँ। वो अल्लाह ताला के घर में जो तीन पिलर्स है ना। यस 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 यस। उससे भी लोग पत्थर मारते हैं। वो उसी की याद में मारते हैं ना। वो पिलर्स हैं, मतलब अल्लाह ताला का घर तो खाना काबा में ना, उससे थोड़ा सा दूर है, और जब हज पे जाते हैं ना तब वो करते हैं। पता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वो जो पत्थर जो मारते हैं शैतान को, उसको क्या कहते हैं उस प्रोसेस को मालूम है? मैं बताता हूँ उसको, याद रहना। उस प्रोसेस को कहते हैं रमी, रमी यानी पत्थर मारना। रमी है? पता था, रमी, क्या? रमी मुझे पता था। अल्लाह, नहीं पता था आपको? पता था। अच्छा पता था, ओके। जो खाना है काबा के गिर जो चक्कर लगाते हैं साथ, उसको क्या कहते हैं बताओ? बताओ। जमीन। उसको तवाफ कहते हैं। क्या कहते हैं? तवाफ। हाँ, और पत्थर मारने को क्या कहते हैं? पता नहीं। आपने अभी कहा मुझे पता है। रमी। गलत कहा? नहीं नहीं। ये आप बकरीद पे कुछ कुर्बानी वगैरह देखी है आपने कोई? कौन किस चीज की? नहीं देखी। नहीं देखी? इधर दिखाना। इधर कुर्बानी भी दिखाएं इधर। हाँ। सारे शौक यहाँ पूरे कर। ये कौन है जो आया है ये सेट पे? कौन है? बकरा है। नहीं नहीं, अरे ये जो बैठा हुआ है ये कौन है? ये लड़का है। ये लड़का? ओहो, ये बात क्यों नहीं कर रहा? ये यहाँ से आ रहा है, वहां जा रहा है, घूम रहा है, क्यों? कौन है ये? किधर से आया? ये मजा ले रहा है। ये मजा ले रहा है? जी। हम नौकरी कर रहे हैं, मजा नहीं रहे? जिंदगी तो दो लोग जी रहे हैं, या ये जी रहे हैं या कार रोशन जी रहे हैं, बस चला गया। हम तो नौकरी कर रहे हैं बस। आ जाओ भाई, इधर आओ, तक बात करें हम। बात ही नहीं कर रहे, कोशिश करूंगा बात करने की। हैं भाई, मजे लेते रहो, लेकिन थोड़ी सी हमसे बात भी। ना बकरा बात कर रहे हैं ना कोई। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं जरा ये ट्रांसमिशन के सिलसिले में हाजिर हुआ था आपके पास, कोई बात करना चाहेंगे आप कुछ? हाँ। क्या नाम क्या आपका? मिस टाइस। मिस क्या? टाइस। टाइस मिस। क्या नाम है भाई? हाँ क्या नाम है? टाइस मिस। शाइस मिसम। मिसम मिसम नाम है? हाँ मिसम। मिसम अपना नाम ही याद ना। कैसे हो मिसम? ठीक है, ठीक है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं ये चुचू बंगो पे जा। ये इब्रानी जमाने में बात कर रहे हैं बच्चे? हाँ बेगो पेजा। मैं बहुत बेगो पेजा। वो तो ठीक बात है। गुदरू बंगो मेरा बेरा शुंगरू बरा बरा बरा। हाँ हाँ हाँ, बरा 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 बरा। तालियां बजा दे बहुत सारी। क्या बातें हो रही हैं भाई? क्या हो गया रहेश सिर पे? क्या हो रहा है ये? क्या बोल रही है? क्या कुछ समझ आ रही है? क्या बोल रहे हैं? मुझे नहीं आ रही। समझ आ रही भाई? इधर आओ, आप इधर आओ। आपसे कोई पोएम या कुछ सुने क्या? हम कुछ आते हैं आपको? पोएम मुझे कोई पोएम नहीं आती है। मैं तो देखती नहीं पोएम। पोएम नहीं देखती? हाँ, चूंकि आपको तो ये खाला नसरीन क्या कर रही है, फहद मामू, इससे जरा ध्यान हटाएं और पोएम पे ध्यान दें। आयात पढ़े, तिलावत पढ़े, गेम्स खेले है ना बाकी। कुछ गेम्स खेलती हूँ, लेकिन यूट्यूब के देखती हूँ। मोबाइल तो अलग नहीं होना चाहिए आपका? मोबाइल तो अम्मी का यूज करना चाहिए सिर्फ। हाँ तो अब जरा आप कौन? हाँ बकरे की आवाज निकालो। जी बकरे की आवाज निकालो। मैं कोई मुझे आती है। आती है? निकाल। मैं कैसे निकाली? ये नहीं अच्छा। हाँ भाई ये वाला चलेगा? ये भी नहीं अच्छा। आप क्या करें? बकरी का जो गला ना वो मोटा हो गया। ये कौन सा बकरा है? ये तो मुर्गा है। मुर्गा। अंडा कौन देता है, मुर्गा या मुर्गी? मुर्गी।
जी। हाँ शुक्र है भाई, शुक्र है, गुड। तो अब आपको पोएम भी नहीं आती, स्टोरी भी नहीं आती, नहीं तिलावत भी नहीं आती, तो क्या तिलावत सुनाते? सुबह होता है सूर्य कौसर आता है, इन्ना आते ना कल कौसर आता है। यार मुझे तो आता ही नहीं है, मैं कुरान थोड़ी ना पढ़ती हूँ, मैंने कुरान की वीडियो बनाई है। हाँ वीडियो बनाए, थोड़ा सा मेरा ख्याल है पढ़ने में भी ध्यान दे, और ये खाला मामू फूफा इनको अपना काम करने दें, आप अपना काम कर लें, क्या ख्याल है? ठीक है ना? हाँ बैठे बैठे झूले बैठे, तालियां बजा दें बहुत सारी भाई, वाह वाह वाह। भाई बात ये है कि रमजान जो है ना आधा गुजर गया, आधा रमजान गुजर गया, सुन लो मेरी बात ये। अब आज से सारे बच्चों ने एक प्रॉमिस करना है मुझसे, और मैं भी प्रॉमिस करूंगा एक आपसे। वो क्या है? वो प्रॉमिस ये कि आधा रमजान तो चला गया, अब थोड़े से दिन रह गए, 15 डेज रह गए, 16 डे। तो हम सब एक प्रॉमिस करते हैं दूसरे से कि हम ना रोजाना ज्यादा नहीं, कम से कम सिर्फ 2 आयत कुरान की, 2 वो पढ़ेंगे रोजाना। ये प्रॉमिस कर रहे हैं, मैं भी प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों से, और कोई भी 2 आयत, मिसाल के तौर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, ये हो गई 2 आयत है। लेकिन इतना सवाब मिलेगा ना कि हद नहीं। तो अब आप मुझे बताएं एक एक करके कि आप मुझे प्रॉमिस कर रही हैं कि हम रोजाना 2 आयत पढ़ेंगे कुरान की? यस। पक्का? गुड। आप भी पढ़ेंगी? यस। प्लीज थोड़ा सा खाला पुप्पो को छोड़ के थोड़ा सा कुरान, ठीक है ना? ओके। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच नसीन खाला, ठीक। और आप भी पढ़ेंगे? इनको भी पढ़वाइएगा जरा जी। ये मुझे चाय पिलाते, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, क्या याद है? इन आता है ना कल का, सूर्य से पहले क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमान। तो कौन पढ़ेगा वो? मैं पढ़ूंगा। तो पढ़े कैमरे की तरफ, इधर घूम के। हाँ पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ अलम तरह कई पफार अरबु का मना आसा फिर बस माशाल्लाह। एक आयत तो याद कर ली शुरू में, तो एक आयत भी याद नहीं थी, चले एक आयत तो याद कर ली, जबरदस्त। तो ये सारे बच्चे जो भी देख रहे हैं, सबसे प्रॉमिस हो गया कि हम रोजाना कम से कम 2 आयतें जरूर पढ़ेंगे कुरान की, ठीक है? प्रॉमिस, उसने प्रॉमिस पता नहीं किया नहीं किया, उनको उनकी अपनी जबान में कैलकुलेट करके थोड़ा समझाएंगे। तो बहुत सारी तालियां बजाते हैं सारे बच्चे जिन्होंने प्रॉमिस किया उनके लिए। अबू बकर साहब हाथ धुलवाएं भाई डेटॉल से, क्योंकि डेटॉल से हाथ धोना बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन हाथ धोए आपके? आपने हाथ इधर उधर आपने, अरे हाथ, मैंने कहा हाथ धोने, हाथ आगे कर दिया, मैं कोई हाथ लेके जाऊंगा धोने के लिए? इतना इतना हमें खाना खाने से पहले हैंड वॉश करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? लेकिन मेरी मम्मा तो अपने हाथों से मुझे खाना खिलाती है, मैं तो ही खुद खाती हूँ ये पूरे। अगर ये 4 दिन और आई, मुझे इनके पूरे मोहल्ले के एक एक आदमी का नाम पता होगा, एक एक आंटी अंकल भाई बच्चा। मम्मा खिला रही है? तो आप तो बड़ी हो गई, आप खुद क्यों नहीं खा रही? क्योंकि मैं तो बड़ी हूँ, लेकिन मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। तो आप हाथ धोएंगी तो हाथ साफ हो जाएंगे? अंडा खाने से पहले भी, अंडा जब फिनिश होता है मैं नल थोड़ी ना खुलता है, फिर मुझसे थोड़ी ना खुलता है। एक काम करें, अब से अगर आपको अम्मा भी खाना खिला रही हो ना, तो भी आप पहले हैंड वॉश कर लें, ताकि अगर आपने भी एक आध बाइट खा लिया तो प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? प्रॉमिस भाई। अबू बकर साहब आप ही को हाथ धुलवाएंगे इधर, डेटॉल से हाथ धुलवाएं आज ये, क्योंकि अम्मा खिलाती हैं, हाथ तो धोए नहीं इन्होंने कभी जिंदगी में। आज आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मजाक कर रहा हूँ मजाक कर रहा हूँ, चले भाई चले चले। हाथ धोना बहुत ज़रूरी है, डेटॉल स्किन केयर दे पिंपल्स फैलने वाले जर्म से हिफाजत, महक की खुशबू के साथ, क्योंकि ब्यूटीफुल स्किन है, जर्म फ्री स्किन। और बच्चों का सबसे बड़ा स्टोर है बच्चा पार्टी, और उसने गिफ्ट हैम्पर्स भी भेजे हैं बच्चों के लिए, वो भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंशाल्लाह, और हम उनके साथ एक सेल्फी भी लेंगे। डॉक्टर साहब जाते जाते कोई नात पड़ी जाए क्या? कोई नात नहीं पड़ी हमने, लास्ट मिनट है, पड़ी जाए वसीम भाई, पड़ी जाए पड़ी जाए। कौन सी पड़ी जाए? पढ़े मोहम्मद ऐसा करते हैं, पहले लेते हैं बच्चा पार्टी की सेल्फी ताकि वो हो जाए, और उसके बाद नात पढ़ते हुए जाएंगे ब्रेक में, ठीक है? आ जाए आ जाए सारे बच्चे, आ जाए आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे हाथ धो लिए कि नहीं धोए? जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, चले भाई आ जाए आ जाए आ जाए, आप वहीं से आ जाए सेल्फी में हमारे साथ, हाथ हाथ हेलो कर दें, हेलो। हाँ अरे इधर आ जाओ भाई, इधर आइए। हाँ चले 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 चले, अरे ये क्या है? ओके ये है बच्चा पार्टी सेल्फी, 3 2 1 से जीज़! अब पढ़ते हैं नात, वो क्या है? मोहम्मद का रोजा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है, फरिश्तों ये दे दो पे
पैगाम उनको खबर जाके दे दो। अब उनको फरिश्तों के खादिम तुम्हारा सईदा रहा है, के खादिम तुम्हारा सईदा है। कैमरे की तरफ देखें, बोले जाए, खत्म हो गया प्रोग्राम, बाय, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद।